हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निर्मला एक बार फिर एक नई जानकारी के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, हमारे घर में जो वेजिटेबल्स आते हैं, जो सब्जियाँ आती हैं, उनको उनके बीज आप लोगों ने ज़रूर देखे होंगे। पर आप सब ने कभी सोचा है कि आलू के बीज कहाँ होते हैं और कैसे दिखाई देते हैं? दोस्तों, अगर आप लोगों ने नहीं सोचा है तो आज मैं आप सबको आलू के सीड्स दिखाने वाली हूँ, कैसे होते हैं और कहाँ होते हैं। दोस्तों, अगर आपने आलू के सीड्स नहीं देखे हैं तो इसके लिए आपको वो ओपनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आलू के सीड्स कहीं और नहीं होते हैं, आपके घर में ही होते हैं। जो आपके किचन में आलू होते हैं वही आलू आलू के सीड्स होते हैं। उन्हें ही हम अंकुरित करके और फिर से ज़मीन में लगा देते हैं और आलू हार्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे किचन में जो आलू आते हैं वो यूज़ हो जाते हैं, तुरंत ही यूज़ होने की वजह से हम कभी जान नहीं पाते कि वही आलू आलू के सीड्स हैं। पर अगर आप ये जो आलू आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, अगर इन आलूओं को आप नॉर्मल अपने घर के आलूओं को 15 दिन के लिए ऐसे ही रख दें कहीं ढक के, तो ये आलू आपके इस तरह अंकुरित हो जाते हैं, इस तरीके से अंकुरित हो जाते हैं और यही आलू आलू के बीज बन जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये किस तरीके से अंकुरित हो गए हैं। पर क्या होता है ना कि जो नए गार्डनर होते हैं वो इन आलूओं को जल्दबाजी में लगाते हैं और गलतियां कर देते हैं, उसके बाद कहते हैं रिजल्ट नहीं आता है। तो अगर आप आलू लगाना चाहते हैं तो आप हमेशा याद रखिए कि आप कुछ बेसिक गलतियाँ न कीजिए। अगर आपका आलू इस तरह अंकुरित हो जाता है, उसके बाद आप उस आलू को इस तरह न लगा के इस आलू को का जो मेथड में बता रही हूँ उस तरह लगाइए, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, आपके आलू इस तरह जब जर्मिनेट हो जाएं, इस तरह जब अंकुरित हो जाएं, तो उसके बाद आप क्या कीजिए कि उसे इस तरह से चक्कू से कट कर लीजिए। कभी भी पूरा आलू नहीं लगाना चाहिए, इसे इस तरह चक्कू से कट कर लीजिए। इस तरह जब आप चक्कू से कट कर लेंगे तो ये आलू आधा हो जाएगा और आधे आलू को आप ज़मीन में लगा दीजिए, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आलू जर्मिनेट होंगे आपके, और ये आपका आलू सीड बन गया। आप सोच रहे होंगे कि आलू सीड बन गया, तो हाँ, यही है आपका आलू सीड और कोई और कहीं और से नहीं आने वाला है आलू सीड, यही है आलू सीड। इसे ही आप ज़मीन में जर्मिनेट करेंगे तो ये जर्मिनेट हो जाएगा। इसे किस तरीके की मिट्टी में ग्रो किया जाए उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आप लोगों ने मिट्टी बनाने वाला वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाइए, चेकआउट कीजिए, आपको मिल जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, ये आपके आलू सीड्स तैयार हैं, यही आलू आपके जर्मिनेट आप करेंगे तो जर्मिनेट हो जाएंगे। दोस्तों, आप सबको मेरी ये जानकारी कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय।